तीन किस्म की जमीनें होती हैं। एक जमीन वो होती है युम्बितुल युम्सिकुल मा व युम्बितुल कला, जिस पर पानी अंदर भी जाता है, उस जमीन के अंदर पानी अंदर भी जाता है और ऊपर भी कुछ खड़ा हो जाता है, जमीन के अंदर को भी फायदा देता है और बाहर वाले भी उससे फायदा उठाते हैं, जानवर चरिंद परिंद वगैरह। ये तो आला लेवल की कामयाबी है ना, खुद भी फायदा उठाया, लोगों को भी फायदा। दूसरा वो है ला युम्सिकुल मा व युम्बितुल कला, पानी अंदर तो अब्सॉर्ब करके अंदर की दुनिया को नहीं कुछ फायदा देता, लेकिन ऊपर जमा कर लेता है, ऊपर लोगों को फायदा होता है, इसके भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स। मगर तीसरा है अल-क़यान, ला युम्सिकुल मा वला युम्बितुल कला, ना खुद को कुछ फायदा दिया, ना मखलूक को कुछ फायदा दिया, ना खुद के लिए प्रोडक्टिव रहा, ना किसी और के लिए प्रोडक्टिव रहा, ना खुद के लिए रिमाइंडर बन सका, ना लोगों के लिए रिमाइंडर बन सका, ना खुद के लिए जन्नत कमा सका, ना लोगों को जन्नत कमा के दे सका। ये तो बिल्कुल ही नकारा तरीन चीज होगी कि जो ना स्पिरिचुअलिटी में, ना रूहानियत में कुछ बना सका और ना जिस्मानियत के अंदर कुछ बना सका। क्योंकि अगर रूहानियत के होते हुए भी पूरी दुनिया एग्जर्ट करने के बाद अगर उसके नसीब में नहीं है, तो बल्कि ये तो आला तरीन दर्जा है कि अल्लाह ताला ने उसकी रूहानियत को कायम रखा, नहीं बन सका, नहीं बन सका, कदर अल्लाहु माशा। लेकिन अगर दोनों मिले हैं और दोनों को उसने बैलेंस करना, इम्तिहान उसका ज्यादा है जिसके पास दीन भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और दुनिया पर भी उबूर स्ट्रॉन्ग है, इसका इम्तिहान ज्यादा सख्त है और उसका भी इम्तिहान बहुत सख्त है जिसके पास नहीं, तो किसी भी चीज को नाकामयाबी नहीं कहेंगे एज लॉन्ग एज आखरत और अल्लाह और दीन का कॉन्सेप्ट रिवाइव्ड है उसके।